फैशन कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी। सो गाइज, आज मैं लेके आ गई हूँ एक प्रोडक्ट की रिव्यू, जो मैं आपको लाइव डेमो दिखाऊंगी और उसके साथ साथ उसका रिव्यू भी उसके साथ ही दे दूंगी, क्योंकि मैं आज बताने वाली हूँ लेवॉन सीरम की रिव्यू। वैसे इससे पहले आप सब लोगों ने देखा होगा, हम लेवॉन की सीरम यूज़ करते थे, वो पिंक वाली जो थी, और उसके बाद और एक सीरम आया है लेवॉन का ही, वो स्पेशली फॉर ड्राई हेयर के लिए है। तो मतलब जिसको बहुत ज़्यादा ड्राई हेयर है उसके लिए है वो। तो चलिए, वो क्या है, कैसे हैं, उसके पैकेजिंग कैसे है, देख लेते हैं। सो ये है वो सीरम, लेवॉन की सीरम फॉर ड्राई एंड अनरियल हेयर के लिए। और इसको मैंने लगभग आधा ख़त्म भी कर लिया, आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे ये यहाँ तक मैंने ख़त्म कर लिया है, फिर उसके बाद मैं रिव्यू देने के लिए आई हूँ। और वैसे मैं लाइव इसलिए बताने वाली हूँ क्योंकि आपको खुद ही इसी वीडियो में आपका उसका रिज़ल्ट दिख जाए। तो वैसे ये 100 ml का है और इसका प्राइस है 250। ओके, 100 ml सीरम बहुत दिन तक जाता है, मेरे लिए तो बहुत दिन जाता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सीरम बहुत कम यूज़ करूँ। मतलब कम से कम मेरे हेयर लेंथ के हिसाब से, मेरी जो हेयर लेंथ है वो आपको दिख रहा होगा कमर से नीचे तक है, तो मेरे हेयर लेंथ उतने के लिए मैं 4 से 5 ड्रॉप ले लेती हूँ, और उतना काफ़ी है। और हमेशा सीरम यूज़ कैसे करना है, वैसे बहुत लोगों को नहीं पता, हेल्प से लेके टिप तक यूज़ करते, लेकिन नहीं, सीरम यूज़ करने का सही तरीका होता है हेयर लेंथ आपका जितना भी हो, लेकिन आप शोल्डर लेंथ के बाद से ही सीरम यूज़ करें, चाहे वो लंबा हेयर हो, छोटा हेयर हो, कोई बात नहीं। सीरम क्योंकि स्कैल्फ में यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि स्कैल्फ अगर हेयर रूट आपका सॉफ्ट हो जाएगा तो फिर हेयर फॉल हो सकता है। तो आप हमेशा उसका इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़िए और उसके साथ साथ किस तरीके से यूज़ करना है वो भी पढ़ के यूज़ करें। तो कोई भी सीरम हो, वो हमेशा आपको शोल्डर लेंथ से यूज़ करना है। आपको दिख रहा होगा मेरी जो हेयर है नीचे की तरफ से अच्छा खासा फ्रीजी है, और मैं हेड बाथ करने के बाद सीरम यूज़ नहीं करी थी, तो बाल मेरी पूरी तरह से सूख चुका है। और हमेशा कोशिश कीजिए हेड बाथ करने के बाद हल्के गीले बालों में ही आप सीरम यूज़ करें। तो मेरी हेयर हल्के गीले तो नहीं, लेकिन लगभग 40-45 मिनट पहले मैंने हेड बाथ किया है। तो कोशिश कीजिए आपका हेयर जैसे आधे सूख जाए वैसे ही आप सीरम यूज़ करो, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता। तो मैं आपको इसको यूज़ करके बताती हूँ, मेरे हेयर लेंथ के हिसाब से 5-6 ड्रॉप्स मैं लूँगी। और इसका कोई कलर नहीं है, एकदम वाटर कलर है, और इसका जो स्मेल है एकदम माइल्ड है। तो मतलब जो भी माइल्ड स्मेल वाली चीज़ है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, और उसमें बिल्कुल कलर नहीं होना चाहिए। तो इसमें कोई कलर नहीं है, स्मेल एकदम माइल्ड है और बहुत सुंदर है, लेकिन एकदम माइल्ड स्मेल है, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और जो फ्रेग्रेंस फ्री होता है या फिर कम फ्रेग्रेंस वाला होता है, हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो चलिए, मैंने अपने पूरे हैंड्स में इसको ऐसे ले लिया है और इसको मैं शोल्डर लेंथ से ही यूज़ करूँगी। और ये ना बालों में लगते साथ ही ना एकदम बाल हमारे ना स्मूथ हो जाते हैं, और जो सिर्फ खाली पीली उड़ता है या फिर फ्रीजी बाल, मतलब ऐसे खड़े खड़े हो जाते हैं, वो नहीं होते। और मेरी फ्रीजी हेयर है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन मेरी बाल फ्रीजी है। सीरम हमेशा हेयर के जो लेंथ है और टिप है उसमें अच्छे से यूज़ करना है, ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। स्कैल्फ में नहीं लगाना है। अब मैं इसके ऊपर से आपको कोम करके बताती हूँ, वैसे मेरे हाथ से ही पता चल जा रहा होगा कि कितना स्मूथ हो चुका है।
किस्म और अभी किस्म में फर्क समझ में आ रहा है आपको? मैं दिखाई थी आपको हेयर लेंथ, ये देखिए मेरा कोम, और अभी मैं इसको कोम करके आपको बताती हूँ, बिल्कुल स्मूथली निकल रहा है। इससे पहले मैं वो पिंक वाला लेवॉन हिम्स हेयर सीरम यूज़ करती थी, लेकिन जैसे ही ये निकला है उसके बाद से मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये जिसके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्रिजी है उनके लिए बने हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी को यूज़ किया, लेकिन मेरी हेयर ड्राई और फ्रिजी है। तो गाइस आप लोगों को तो लाइव रिज़ल्ट दिख गया है, मुझे ये सीरम बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसको कंटिन्यू करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को ये वाला सीरम पसंद आता है या फिर आपको परचेस करना रहेगा, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो ज़रूर चेक कीजिएगा। और गाइस आपको अगर मेरी वीडियो या फिर मेरी टिप्स आपको हेल्पफुल लगता है, तो मेरी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और उसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन लोगों को भी हेल्प हो जाए। और उसके साथ साथ बाजू में जो रेड वाली सब्सक्राइब बटन है उसको ज़रूर दबाइएगा, बाजू में जो डिंडी नीली वाली बेल बटन है उसको भी दबाइएगा, जिससे कि जब भी मेरी कोई वीडियो आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेंगी। सो चलिए गाइज, मैं मिलती हूँ आपके साथ और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। बाय बाय गाइज।